इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही मोबाइल पर्स और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक सोना चांदी खरीदने वाला सुनार भी शामिल है। मामले में पकड़े गए आरोपियों के पास से एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र सहित अन्य माशुका बरामद किया गया है। दरअसल कनाड़िया थाना क्षेत्र के आलोक नगर में रहने वाली एक महिला अपने घर से किसी काम के लिए जा रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ करने पर एक सुनार का नाम भी सामने आया, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, कनाड़िया पुलिस द्वारा एक चैन स्नैचर का ग्रुप पकड़ा गया है। मोबाइल और चैन स्नैचर लूटते हैं वो, जिसमें दो लोग हैं, बाचू उर्फ उदय और पीयूष जैन। ये एक मोटरसाइकिल इन्होंने फाइनेंस कराई है और उस गाड़ी से एक महिला जो अपने बेटी से बात कर रही थी, उसके कमर में लटका हुआ पर्स था, उसको छीन के भागे थे। उस पर से हमने केस दर्ज किया था और कल जब ये सूचना मिली कि लाल मोटरसाइकिल बिना नंबर की क्षेत्र में घूम रही है, तो टीम सक्रिय हुई और इनको घेराबंदी करके पकड़ा। तो जब पूछताछ हुई तो उसमें उन्होंने तिलक नगर की वारदात स्वीकार की थी, जिसकी की चेन बरामद हो गई है और एक द्वारकापुरी की मंगलसूत्र छीना हुआ है। दो चीज़ें उन्होंने स्वीकार की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।